सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल वाइट चैनल को और दबा दीजिए इस बेल आइकन को भी लेटेस्ट टेक्निकल जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित और यूट्यूब के टेक्निकल वाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिससे कि आप अपने कंप्यूटर को फ्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे कि आप अपने कंप्यूटर के एक या सभी ड्राइव को फ्रीज कर सकते हैं और इसके बाद अगर कोई भी यूजर आपके कंप्यूटर को यूज करता है और उसमें कोई चेंजेस करता है तो वो चेंजेस फिर से कंप्यूटर के स्टार्ट होने के बाद वो चेंजेस अपने आप हट जाते हैं और आपका कंप्यूटर पहले की तरह हो जाता है जिस समय आपने कंप्यूटर को फ्रीज किया था। इससे जो है आप अपने कंप्यूटर के किसी एक ड्राइव को भी फ्रीज कर सकते हैं या आप अपने कंप्यूटर के सभी ड्राइव को भी यहाँ से इससे आप फ्रीज कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर को किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी कैफ़े में यूज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी सॉफ्टवेयर हो सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट और कैफ़े में बहुत सारे यूजर्स आपके कंप्यूटर को यूज करते हैं और वो आपके कंप्यूटर के जरूरी फाइल को डिलीट कर देते हैं या फिर कोई अननेसेसरी फाइल्स क्रिएट कर देते हैं। तो उसमें अगर आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो कोई भी यूजर अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी वर्क करता है तो वो आपके कंप्यूटर में सेव नहीं होता है और फिर कंप्यूटर के रिस्टार्ट होने के बाद आपका कंप्यूटर फिर से पहले के जैसा ही रहता है। तो चलिए जानते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को आप किस तरीके से यूज करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट नई वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से यहां इस लिंक पर यहां पे आ सकते हैं। यहां पे आने के बाद आपको आई एम नॉट ए रोबोट पे टिक करना है और उसके बाद आपको नीचे क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहां पे नेक्स्ट पेज पे चले आएंगे। यहां पे आने के बाद आपको जो है 8 सेकेंड में एक लिंक जनरेट होगा और वहाँ पे आपको गेट लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ से जो है इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है डीप फ्रीजी। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और उसके बाद आपका यहाँ पे ये एक जीप फोल्डर में डाउनलोड होने लगेगा। तो जैसे ही ये डाउनलोड होता है आपको जो है इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो आप इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करके जो है इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर को जो है इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 30 दिन का ट्रायल मिलता है, तो यहाँ पे आप जो है इसी 30 दिन के ट्रायल को इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप जिस भी ड्राइव को यहाँ पे फ्रीज करना चाहते हैं आप वहाँ यहाँ पे उस ड्राइव को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जिस ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे आपका वही ड्राइव फ्रीज होगा, मतलब उसमें अगर कोई कुछ चेंजेस करता है तो वो वापस कंप्यूटर रिस्टार्ट होने के बाद वो ड्राइव वापस उसी स्थिति में आ जाएगा जिस स्थिति में पहले था। इंस्टॉल होने के बाद आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जो है रिस्टार्ट होने लगेगा और रिस्टार्ट होने के बाद आपको जो यहाँ पे यस कर देना है और यहाँ पे आपको टूल बार में जो है आपको यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर का लोगो दिखने लगेगा। तो यहाँ पे जो आप क्लिक करते हैं तो ये नहीं खुलेगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पर ओपन हो जाता है और उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड डालना होता है, तो इसे आप नहीं डालकर एग्जिट कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड के ऑप्शन पे आकर जो है आप अपना न्यू पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। तो अगर आप न्यू पासवर्ड सेट करते हैं तो इस सॉफ्टवेयर का यूज सिर्फ आप ही कर पाएंगे, कोई और थर्ड पर्सन इसका यूज नहीं कर पाएगा। तो आप यहाँ से पासवर्ड अपना सेट कर सकते हैं और उसके बाद जब कोई इसे यूज इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेगा तो यहाँ पर उसे पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर अगर हम आप अपना पासवर्ड डाल देते हैं तो यहाँ पे अगर आप अपने कंप्यूटर को फ्रीज करके रखना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर में कोई चेंजेस कोई ना कर पाए, तो आप जो है बूट फ्रोजन के ऑप्शन को क्लिक करके इसे इस ऑप्शन के को आप ओके करके सेव करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आप जब चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में कोई चेंजेस करना चाहते हैं आप जो है बूट थेवेट के ऑप्शन को क्लिक करके सेव कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है आप अपने कंप्यूटर में कुछ चेंजेस कर पाएंगे। आप अपने कंप्यूटर को फ्रीज रखना चाहेंगे तो आप बूट फ्रोजन को सिलेक्ट करके सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को इस सॉफ्टवेयर की मदद से बड़ी आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।